इतनी शांति, चिड़ियों का चहचहाना, पीस, और इस पीस के अंदर जानवरों की चीखें और उनकी परेशानियां, उनका कष्ट को महसूस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको सुना और सुन के उसके सल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है मिस्टर रॉबिन सिंह, द को-फाउंडर ऑफ पीपल्स फार्म। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। आप इतनी दूर से आए, मैं तो खुश हुआ उस बात करके। सो पहले तो आपका फार्म बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। मैंने इस पॉडकास्ट के रिसर्च के टाइम पे जो मैं आपके व्लॉग्स देखे, आपके वीडियोस देखे, उसमें तो देखा ही, लेकिन यहाँ पे आके और बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। थैंक यू। ये हमारा एक्चुअली जब हमने शुरू किया था ना, तो हमारा मुद्दा था कि भाई दो मुद्दे थे कि एक तो जानवरों की मदद करनी है और दूसरा उनकी सुनवाई हो, लोगों तक बात पहुँचे। तो अब जानवरों को तो हम लोगों को तक ले जा नहीं सकते, तो लोग यहाँ पे लाने थे, तो इसलिए ज़रूरी था कि जगह सुंदर हो और दूसरा लोग यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे टिकें, क्योंकि आप सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग देखते हो तो आपके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो दैट वॉज पार्ट ऑफ द डिज़ाइन कि भैया जगह को ऐसा बनाना है कि लोग आए भी और टिके भी यहाँ पे। उसके साथ साथ एक पर्सनल इनर पीस भी फील होती है, मुझको ऐसा लगता है। आई एम श्योर, अब देखिए हर एक जगह की जैसे कहते हैं कि एक एनर्जी होती है। अब जैसे आप न्यूयॉर्क सिटी में जाओ तो एकदम चहल पहल, आप चार्ज अप हो जाते हो क्योंकि वहाँ उसी तरह का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है, जैसे मुझे ये जगह शुरू करने कुछ सालों बाद एक शांति से महसूस हुई, जिसे मैं कहूँगा सेटिस्फैक्शन, जैसे खाना खाने के बाद आपको लगता है ना, हाँ संतुष्टि, एक ठहराव भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब हसल बसल से और एक ठहरी हुई जगह पे आना और वो सारी चीज़ें कर पाना या वो हो रही हैं जो हम करना चाहते थे। ठहराव मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि देखिए ठहराव मुझे दिशा मिल गई है, लेकिन अब दिशा ये इसमें भागना मुझे अंतहीन, मतलब भागता ही रहना है, तो ठहराव नहीं है उस हिसाब से। मतलब जो घूम रहे थे, हाँ वो घूमना रुक गया, दिशा मिल गई, अब उसमें आगे जाते हैं ना, इसलिए मैं डायरेक्शन से सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ। ओके, देखिए मैं ना इस पॉडकास्ट के अंदर आपसे वो चीज़ें जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया तो थॉट प्रोसेस क्या था आपका, जब पीपल फार्म शुरू किया। हाँ, पीपल फार्म शुरू किया। देखिए पीपल फार्म मैंने शुरू किया 2014 दिसंबर में, तो उससे पहले जो मेरी लाइफ की फिलॉसफी थी वो सेट हो चुकी थी। मुझे ये पता लग गया था कि मेरे को जीना इसलिए नहीं है कि मैं बस पैदा हुआ हूँ धक्के से जिए जा रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ गया था मुझे एक तो जीते हुए कम नुकसान करना है और जीना है अच्छा करने के लिए। अच्छे की परिभाषा भी मेरे को पहले निर्धारित कर ली थी मैंने कि भाई बुरा होता है किसी को दर्द पहुंचाना, तो अच्छा है किसी का दर्द कम करना, ये सब क्लियर था। साथ ही साथ एनिमल वेलफेयर में मैं पहले ही जुड़ गया था, 2012 से एनिमल वेलफेयर में मैं जुड़ गया था। तो पीपल फार्म का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि यार ये काम जो है ना आपका, जानवरों को मदद करने वाला, अब इसकी ज़रूरत तो बहुत है, जानवर बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं, मदद करने वाले बहुत कम है, और इसको आप मैकडोनल्ड्स की तरह ना स्केल अप नहीं कर सकते काम को, लेबर ऑफ लव वाला काम है, पैसा है नहीं इसमें। तो एक जो स्ट्रैटेजी दिमाग में आई थी कि शेयरिंग इज स्केलिंग, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं हम वो औरों के साथ शेयर करेंगे और लोग उससे इंस्पायर होंगे और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही बदलाव लाएंगे कि उनकी ज़िंदगी एज इट इज़ पीपल फार्म जैसी ना दिखे बट समथिंग सिमिलर, ये मुद्दा था। तो यहाँ तक पहुँचे कैसे आप, मतलब पीपल फार्म से पहले जब आपने बताया कि उससे पहले आपको ये इंडिकेट हो गया था कि हाँ मुझे एनिमल वेलफेयर पे काम करना है, तो यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे रही? यहाँ तक तो ये हुआ, देखिए मैं कहाँ से शुरू करूँ कि मैं यहाँ से हैकर था, पकड़ा गया, फ्रीलांसर बना, तुक्के से अमेरिका पहुँचा, अमेरिका में तुक्के से कंपनी शुरू हुई, या उसके आगे से। एक थोड़ा सा है ना ये कंपनी वाला पार्ट में, थोड़ा पेपाल जो है वो आप
ही के डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं, नहीं, मैंने जो एक अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड किया पेपैल के साथ, वो पेपैल और गूगल के साथ क्लोजली काम करता था। ओके। इनके जो पेपैल तो था ही पेमेंट प्रोसेसर, गूगल का अपना एक पेमेंट प्रोसेसर था, तो इन दोनों के साथ वो मिलकर काम करता था। ओके। तो अभी भी करते हैं आप हैकिंग? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने यूएस जाने से पहले ही छोड़ दी थी, वो तो एक बार जब सही रास्ता मिल गया वो तो मैं भटका हुआ था। नहीं, हैकिंग तो दोनों तरीके से होती है ना, मतलब एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अपन किस तरफ देख रहे हैं वो अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ, मेरी पॉजिटिव वाली तो खैर नहीं थी। तो फिर आप कोडिंग के अंदर और आईटी फील्ड के अंदर आपने डेवलप किया और वहाँ फ्रीलांसर था मैं। मैंने एक बार गलती से ईमेल जो है मिसस्पेल कर दी, वो किसी के पास पहुंची, वो यूएस में था, वो केविन स्पेसी जो एक्टर है उसकी वेबसाइट बनाना चाह रहा था, वो उसका दोस्त था, उसके पास कोई था नहीं प्रोग्रामर, तो वो थोड़ा फंसा हुआ था, उसने कमिट कर रखा था आगे, जैसे दोस्ती यारी में कहते यार बना देंगे, और उसको मेरी ईमेल मिल गई। तो तब उसने मुझे कहा कि यार मैं $20 दूंगा घंटे के तेरे को, ये बात है 2001 की, तो तू मेरे लिए काम कर दे। 2001 में $20? हाँ, घंटे के। तो मैंने कहा यार हाँ, तो जो जो मुझे नहीं आता था वो मैंने सीखा। मैं उसको बिलिंग भी ऐसे करता था, 2 घंटे लगाता था तो 1 घंटे का ही चार्ज करता था कि उसको लगे यार बड़ा सॉलिड काम करके दे रहा है। फिर जब वो काम करते हुए, भाई टाइम डिफरेंस था, लैंग्वेज बैरियर था, मेरी इंग्लिश मतलब बोल तो मैं पाता ही नहीं था ना, लिख लेता था, तो उसमें भी एक लैंग्वेज बैरियर था, तो टाइप करके ही सारी कॉन्वर्सेशन होती थी, तो थोड़ा उससे उकता गया, कहता यार मतलब उकता नहीं गया, परेशान हो गया, वो कहता कि यार यहीं आ जा। मैं कहा मुझे नहीं पता अमेरिका कैसे आते हैं, मुझे क्या पता। फिर उसने वीज़ा वगैरह किया, उसने बल्कि वो एक इंडिविजुअल था, उसने वहाँ पे कंपनी बिल्ड करी ताकि आपको बुलाने के मुझे लिए। बुलाने के लिए, तो मैं उसका फर्स्ट एम्प्लॉय था। अरे, तो वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच के पहली बार मेरे को लाइफ में गोल मिला कि मुझे नौकरी नहीं करनी, नौकरी बंदिश है, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी थी तो उसको कभी शायद वैल्यू नहीं किया एज सच। कभी चीज़ें जब खोती हैं ना आपकी, तब आपको उनकी कदर पता लगती है। तो वहाँ जाके जब पता लगा ये तो जॉब है, मैंने उसको कहा मैं यार वापस जाना चाहता हूँ। उसने कहा यार तू अभी तो आया है, 6 महीने तो लगा कम से कम, है ना। मैंने भी कहा हाँ, मतलब मैं बचकानी बात कर रहा था, मैं छोटा ही था, मैं 23 साल का था, दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था दुनिया में। तो फिर इस हिसाब से तब मैंने फिर साथ ही साथ एक अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, वो मैं बेचता था, तो बेचता था मैनुअली डिलीवर करना पड़ता था, पेपैल से मैं पेमेंट लेता था, तो इसको ऑटोमेट करने के लिए मैंने एक और सॉफ्टवेयर लिखा। वो सॉफ्टवेयर जो है ना, वो मेरी एक कंपनी में कन्वर्ट हो गया। और जो मेरा पहली बार लाइफ में एक टारगेट था कि भाई मुझे नौकरी नहीं करनी, वो टारगेट अचीव हो गया 2010 आते आते 7 साल में। तो 2003 से 2010 का टाइम ड्यूरेशन आपका वो टारगेट अचीव हो गया। आप 6 साल ले लो, 2004 बिगिनिंग, 2003 सितंबर में तो अमेरिका पहुंचा था मैं, तो 2010 के शुरू में वो अचीव हो गया। और 2010 ख़त्म होते होते मुझे समझ में आ गया कि जो मैंने अचीव किया है अब मैं उससे खुश तो हूँ नहीं। तो खुशी खोजते हुए, अपनी खुशी खोजते हुए, कोई महान मुद्दे से नहीं, बड़ा ही एक सेल्फिश मुद्दा था, तो मैं इंडिया वापस रिटर्न आया। हाँ। और फिर 2010 से 2014 के बीच में सारे वे, मतलब ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का था आपका। नहीं, 2011 में मैं आया ना इंडिया, 2011 के बिगनिंग में, 2010 में तो मैं यूएस में ही था। ओके। और वो साल ख़त्म होते होते मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं तो खुश हूँ नहीं, तो मैंने इंडिया का रुख किया। तो 2011 बिगनिंग से 18 महीने में भटका यहाँ पे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, जीप खरीदी कि हम तो जी पहाड़ों में घूमेंगे, साउथ गया देखा कि हम तो फार्मिंग करेंगे, फिर जी यहाँ धर्मकोट यहाँ पे आ गया, हिप्पी बन गया कि हम तो जी सारा दिन पीस और लव की बातें करेंगे। फिर अंततः हाथ में जब कुछ लगा नहीं, तब मैं ऑरोविल पहुँचा 2012 अगस्त में। ओके। और वहाँ मुझे मिली लॉरेन, जो कि डॉग्स की मदद करती थी, तो वहाँ पे मेरी दिशा बदली कि भाई खुशी नहीं खोजनी, पर्पज़ में जाना है, क्योंकि मम्मी ने बचपन में बीज बो रखे थे, वो बोरिंग लगती थी बातें, लॉरेन को करते हुए देखा तो लगा कि हाँ यार, मतलब करती मम्मी भी थी पर वो है ना कि वो बहुत क्लोज हैं, वो बहुत नज़दीक होता है उनका, आप नहीं सुनते। अब जैसे मेरे रिश्तेदार जो हैं बड़े सारे नॉन वीगन हैं, है ना, अब जो दुनिया सुनती है वो हो जाते हैं, बदल जाते हैं लोग, ये नहीं सुनेंगे। तो मैंने लॉरेन की सुनी, और लॉरेन की सुनी भी क्या, उसने मुझे थोड़ा कहा, मैंने कहा कि भाई मैं भी मदद करूंगा इसी की तरह। तो उसके साथ में जुड़ गया, वहाँ से एनिमल वेलफेयर की जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ से अब
और इस चीज़ को करते हुए हमारे को शायद 10 साल हो गए, राइट, या होने वाले हैं। भाई देखो 2012 अगस्त में मुझे मिली लॉरेन। अच्छा पीपल फार्म की बात कर रहे हो तो 10 साल होने वाले हैं, चंद महीनों में 10 साल हो जाएंगे। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वाले दो, थैंक यू। इतना मतलब ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हैं। अच्छा मैं ना इसमें ना कुछ एक चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि रिसर्च के टाइम पे जो पॉडकास्ट के लिए मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो मैंने कुछ एक चीज़ें देखी, आपके काफ़ी वीडियोस देखे आपके चैनल पे, उसमें एक आध जगह पे मेरे को एक दो चीज़ें लगी जो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। जैसे आपने बताया था कुछ करप्शन के लिए भी ऑफिसर्स की इंक्वायरीज आई थी आपके पास यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं और उन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं फिर आप? देखिए कई बार ये होता है कि एक तो बिल्कुल साफ कहूँ तो कई लोग आपसे जलते हैं। ये बहुत सीधा सी बात है कि आप कुछ अच्छा काम करोगे ना तो वो ना दूसरे लोग खुद करेंगे ना आपको करने देते हैं। हाँ वो आपसे जलते हैं क्योंकि कहीं पे आपका अच्छा होना उन्हें बुरा महसूस सा कराता है, तो फिर वो इधर उधर कुछ बोल देते हैं। फिर कोई अगर किसी आला अधिकारी को जानता है, नहीं तो इंडिया में कहाँ किसकी सुनवाई आपको, फलाना करप्ट है, वो कहेगा कि सारी दुनिया करप्ट है ना, तो वो तो किसी का चाचा मौसा ताया निकलता है तो वो किसी को भिजवा दिया, तो जो भिजवाया किसी को कह के तो उन्होंने देख लिया कि भाई सब ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा बड़ा सिंपल सा है, पीपल फार्म का जो है सारी डोनेशन जो है आती है बैंक में आती है, बैंक से खर्चा होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट सा है, तो जो आता है फिर सेटिस्फाई होकर चला जाता है, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जब पीपल फार्म आप स्टैब्लिश कर रहे थे, जो इनिशियल डेज थे आपके, उन इनिशियल डेज के अंदर लोकलाइट्स के किस तरीके के रिएक्शंस थे और उनके सपोर्ट थे? क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, और वो भी इंडिया में भी अगर आप इस तरीके के थोड़ा सा गांव टाइप के एरिया में आते हो और स्टार्ट करते हो तो। देखिए मुझे ऐसा है कि कोई इनिशियली रेजिस्टेंस तो नहीं मिली जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी। हाँ हमारे बारे में अफवाहें बहुत थी कि जैसे हमने बेसमेंट बनाई या दीवार बनाई तो कहते कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा था, मतलब बेतुकी बातें थी। एक तो लोग शराब बहुत पीते हैं, है ना, तो शराब और खाली टाइम ये वैसे ही एक बैड कॉम्बिनेशन है तो बेतुकी बातें थी। फिर अब जब हमने लोगों को एम्प्लॉय किया ना, तो फिर लोगों को पता ही था कि अंदर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जब वीडियोस भी आ गए तो फिर सब कुछ मतलब 99% सब लोगों को सब क्लियर है कि क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे इस तरीके का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है किसी भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी भी नई चीज़ की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है, और हाँ। उसके बाद जो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है उसको कंटिन्यूसली उस मैनर के अंदर रन करते रहना, क्योंकि वो एक रेस्टलेसनेस प्रोसेस है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब ऐसे पर हमारे को ऐसी कोई पेचीदगी नहीं आई कि जहाँ पे आगे किसी ने टांग अड़ा दी। एक बार ही किसी ने एप्लीकेशन शुरू करी थी कि इनको बंद कराओ, उसने साइन लिए थे, हमने उससे 2 गुने साइन ले लिए कि भाई नहीं इनके रहने से फ़ायदा, आप देखो ना इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, फिर हमारी वजह से गाँव में इतने लोग आते हैं तो बिज़नेस मिलता है गाँव में, फिर उसके बाद जैसे लोगों के यहाँ पे लोग ठहरते हैं वो बिज़नेस आता है, फिर जो लोगों के पशु हैं उनका हम उपचार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो ना, आप किसी की गाय बीमार है अब वो लेके जाएगा अस्पताल तक, जीप करेगा, 1500 खर्चे का, हम यहीं बैठे हैं तो हमारे होने के लोगों को फ़ायदे ही फायदे हैं। तो एज सच मुझे वो वाली तकलीफ़ें कभी आई नहीं, और जैसा मेरा एटीट्यूड रहा है अगर कोई ऐसी तकलीफ़ आई भी तो उसको मैंने बुलडोज कर दिया। आपके वीडियोस के अंदर है ना एक बहुत बड़ा कंपटीशन आप रखते हो वीगन्स और वेजिटेरियंस का, ये मैंने देखा है कंपटीशन। हाँ मतलब आपके वीडियोस हैं, आपके टीम में ही कोई है वो वेजिटेरियन है, आप वीगन हैं, तो आपके बीच में कंपटीशन चलता रहता है ये सारी चीज़ें, तो इस बारे में ज़रूर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखिए अभी तो जो हुआ था हाल ही में हमारे साथ आगे जो एक नए मेंबर जुड़े हैं वो हैं जोगी जी, जो कि मिस्टर इंदौर रह चुके हैं, ओके, तो और वो हैं वीगन, और फिर मेरा साला साहब है वो हैं बिल्कुल नॉन वीगन, मतलब नॉन वेज भी खाते हैं, तो उनका हमने पंजा लड़वाया था वो हार गए, तो हम ये दिखा रहे थे कि देखो वीगन ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होते हैं, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपको शक्तिशाली होने के लिए आपको जानवरों को सताने की आवश्यकता नहीं है। एक स्टार्टिंग में आपने ओरेवल के बारे में भी थोड़ा सा बात करी थी, तो आप बता सकते हो ओरेवल में किस तरीके की चीज़ें होती है, आपको पर्सनली किन चीज़ों ने पुश करा ओरेवल की साइड कि ओरेवल जाना चाहिए मुझे?
मेरे पिताजी ना साइंटिस्ट थे, तो UNDP के साथ काम करते थे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसी के अंडर उन्होंने ऑरोविल में भी कुछ काम किया। तो मैंने उन्हीं से पहली बार सुना था बचपन में कि भाई ऑरोविल नाम की एक जगह है, एक इंटरनेशनल टाउनशिप है, मतलब आम दुनिया से एक अलग ही जगह है। तो जब 2012 अगस्त में मैं बिल्कुल हताश था, मुझे समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या करूं, तो मुझे ध्यान आया कि यार बचपन में मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता था, तो चलो वहां जाके देखते हैं कुछ मिलेगा। होता है ना कि भाई जब आप अपनी जगह बदलते हो तो आपके सवाल बदलते हैं उसी के साथ। और यही मुझे था कि भाई जिन सवालों का मुझे, मेरे को अपने सवालों का जवाब तो मिल नहीं रहा, तो शायद मुझे सवाल ही बदलने होंगे। तो मैं इसलिए ऑरोविल गया था, मुझे पता नहीं था उसके बारे में कि क्या है। वहाँ मैं गया, साथ ही मैंने उस जगह के बारे में स्टडी किया। तो ऑरोविल, ये जो श्री अरविंद थे, उनका ड्रीम था कि एक इंटरनेशनल टाउनशिप हो, लोग वहाँ रहें और वो वर्ल्ड के लिए एक मॉडल शहर बन जाए, जहाँ पे वो ह्यूमैनिटी की सारी समस्याओं पे काम करें, उसके समाधान ढूंढें और पूरी दुनिया उसको एज एन एग्जाम्पल देखे। तो अरविंदो तो चले गए थे ऑरोविल शुरू होने से पहले, उनकी जो फॉलोअर थी मदर, उन्होंने ऑरोविल की स्थापना करी। मुझे नहीं लगता कि ऑरोविंदो का ड्रीम रियलाइज हुआ, पर फिर भी ऑरोविल में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऑरोविल फाउंडेशन ने बड़े सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को लैंड दे रखा है, कोई रीफॉरेस्टेशन कर रहा है, कोई यू नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहा है, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑल्टरनेट एजुकेशन चल रही है। प्लस ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो मैनेजमेंट है ऑरोविल फाउंडेशन की, तो ऑरोविल फाउंडेशन वेस्ट मैनेजमेंट भी देख रही है, वाटर भी देख रही है, कुकिंग भी देख रही है, और वो कैसे कर रहे हैं ये सब वो आपको उसमें देखने देते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे मुझे। उसी चीज़ ने आपको फिर धीरे 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 आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए वहाँ से आपको। देखिए वो मेरी एक, मैं कह दूँगा कि मैं उन सब चीज़ों में रुचि रखता हूँ, मैं क्यूरियस व्यक्ति हूँ, पर मुझे मेरे सवालों का जवाब तो लॉरेन से मिला। मुझे जो मेरे सवाल हैं वो लॉरेन से मिले और वो जवाब भी वहाँ पे मिले। मतलब एक तरीके से वो आपकी कह सकते हो मेंटोर। हाँ हाँ, नॉट दैट की, पर एक ट्रेडिशनल मेंटोर नहीं कहूँगा कि, क्योंकि उन्होंने मुझे मेंटोर किया नहीं, पर वो जो कर रही थी उससे मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। शी लेड बाय एग्जांपल। आप है ना एनिमल्स के नाम बहुत खूबसूरत रखते हैं। मैं कई वीडियोस के अंदर मैंने आपके सुने, क्योंकि मैं इसको है ना, मतलब इस पॉडकास्ट के अंदर मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव तो ठीक है करना ही है, बट उसके साथ साथ मैं उन चीज़ों पे भी बात करूँ जो मेरे को खुद को भी पर्सनल क्यूरियोसिटी देती है, क्योंकि ये नाम जो है ना, ये कहाँ से आते हैं आपके पास? हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं। अच्छा। जब भी कोई चीज़, कोई ऐसे कोई भी वर्ड अच्छा लग गया, क्यूट सा लग गया, तो उस लिस्ट पे डाल दिया। और जब कोई पशु आया, कई बार तो पशु को देख के लगता है इसका नाम तो यही हो सकता है, जैसे ये हमारी एक है तीन पैर वाली, अब झिलमिल है इसका नाम, वो सफ़ेद है, उस पर काले काले धब्बे हैं, तो ऐसे झिलमिलाती सी है वो, तो उसका नाम ऐसे झिलमिल पड़ गया। हाँ, और आपके पास एक मुर्गी भी है। हाँ, उसका चूचू। हाँ, बोला। हाँ, भैंसा जो है। हाँ, तो ये नाम है ना बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं यूजुअली। मेरे को पर्सनली बहुत करते हैं, तो मैंने यार, मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो पूछूंगा ही पूछूंगा कि ये नाम आप कहाँ से लेकर आते हैं। भाई देखो ना, जैसे उस दिन मुझे कोई कह रहा था भैया राम लड्डू खाओगे, तो मुझे वर्ड अच्छा लगा, राम लड्डू फनी वर्ड है, नोट कर लिया। अब कोई आएगा बैल, उसका नाम हो जाएगा राम लड्डू। थोड़ा सा सीरियस है, इंडिया में जो एनिमल क्रूएल्टी लॉ है उसमें चेंजेस की नीड है। हाँ है ना, क्यों नहीं है, और काफ़ी समय से इसके लिए मुहिम चल भी रहा है, पर शायद जो लॉ मेकर हैं उनके पास अभी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू हैं जिस पे कर रहे हैं वो काम। लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं ना, ये एक रिवॉल्यूशन है, इस रिवॉल्यूशन को बड़ा करना, और मतलब ऐसी चीज़ों, मतलब मैं प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी का। ऐसा तो है नहीं कि ये सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स को बिलोंग करती है, ये एनिमल्स को भी उतनी बिलोंग करती है जितनी हमें करती है। आज फॉरेस्ट कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे क्लाइमेट चेंज पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डेफिनेटली शायद इन 10 सालों में आपने भी यहाँ पे चेंजेस फील किए होंगे, तो इन चीज़ों को और थोड़ा बूस्टअप करने की नीड नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बदलाव लाने के कुछ एक तरीके ही हैं, ठीक है।
आपका हो गया सर्विस हो गया, अवेयरनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, इनोवेशन हो गया। मैं हर किसी का एग्जांपल देता हूँ। सर्विस तो हो गया भाई, हमें घायल जानवर दिखा, हमने उसकी मदद कर दी। पॉलिसी ये हो गई कि सरकार जो है वो कानून कड़ा कर देती है कि फिर घायल किसी को जानवर करने से पहले कोई 10 बार ही सोचे, ठीक है। इनोवेशन ये हो गई भाई, किसी ने कहा कि यार एक्सीडेंट में जानवर होते हैं तो चलो हम रेडियम वाला कॉलर बना देते हैं ताकि जानवरों को चोट ना लगे। एंटरप्राइज हो गया, उसी कॉलर को सस्ता कर दिया। तो हर कोई अलग 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 मुद्दों पर काम कर रहा है। तो जो पॉलिसी वाला मुद्दा है ना, वो हमने पकड़ा नहीं है, हमने वो डायरेक्शन पकड़ी नहीं है। हम काम करते हैं सर्विस पे, यानी कि जो दिख रहा है उसकी उसका उपचार करते हैं, अवेयरनेस पे कि लोगों तक इनकी कहानियां पहुंचाएं ताकि कुछ लोग जो हैं जग जाएं, बदल जाएं। और हम काम करते हैं एजुकेशन पे, हम बच्चों के लिए कार्टून्स बनाते हैं ताकि बच्चे बड़े होके पहले से ही उनको बाद में बदलना ना पड़े, पहले से ही वो इस तरह बड़े हों कि बाद में उन्हें रिग्रेट ना हो कि आई विश आई वॉज नाइसर सूनर। तो कमिंग टू योर पॉइंट, हाँ लॉज तो चाहिए, पर उसके लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पॉलिसी पे ही काम कर रही हैं। दूसरा ये है कि पॉलिसियाँ इंडिया में बन जाती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, नहीं होती। अब आप देखो सड़क पे जो गधों पे बोझ लाद के ले जा रहे हैं, ये गैर कानूनी है ना। या आप बड़ी बारी देखते हो जिस तरह जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, गैर कानूनी है। मुर्गी को लोग खा रहे हैं, चलो वो कानूनी है बदकिस्मती से, पर जिस हिसाब से मुर्गी को दड़बे में रखा हुआ है मारने से पहले, जिस हिसाब से रखा हुआ वो गैर कानूनी है। तो लॉ है, अब वो ही नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे, तो फिर आपको नहीं लगता कि मतलब आप जिस तरीके की फील्ड में हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन को और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के इस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन और उसके चेंजेस के ऊपर भी थोड़ा सा फोर्स करने की नीड है गवर्नमेंट को? मुझे नहीं लगता नेसेसरली। अब आप देखिए, आप स्कूल प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, कि आप अपना स्कूल अच्छे से चलाएं या आप कहते हैं कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बदले, है ना। तो यू हैव टू पिक योर बैटल्स, आई हैव पिक्ड माई बैटल्स। अब यही है कि हमसे इंस्पायर होकर बड़े सारे लोग रेस्क्यूज करना शुरू करते हैं, हमसे इंस्पायर होकर कई लोग वेट बनते हैं। आई एम श्योर हमसे या किसी और से इंस्पायर होकर कोई व्यक्ति पॉलिसी वाला काम भी करेगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं आ रहा था ना यहाँ पे, तो मैं ऐसी सर्च कर रहा था, तो मैंने 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 मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई एक्ट भी है खुद को पर्सनली। तो जब मैंने देखा ना और उसके एक्ट के चार्जेस देखे ना, तो मतलब मैं शॉक था सुन के कि पिछले 63 सालों से 63 ईयर्स के अंदर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 10 रुपये किसी जानवर को अगर आप घायल कर देते हैं या मार देते हैं या किसी भी तरीके का बुरा बर्ताव करते हैं, 10 रुपये बहुत एक मतलब छोटा सा अमाउंट है, मतलब वो आदमी यूं ही खर्च कर देता है। तो उस इन चीज़ों से तो मुझको नहीं लग रहा कि कोई चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर। किन चीज़ों से? ये जो छोटे अमाउंट के जो चार्जेज है, जो लॉ इतना वीक है, जब तक ये डर नहीं होगा लोगों के अंदर तब तक कैसे उन चीज़ों का। आज लोग चोरी करने से पहले आदमी डरता है, ठीक है कर रहे हैं, हो रही है, लेकिन डरता है ना। कोई भी ह्यूमंस के अगेंस्ट कोई भी अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव कोई भी काम करता है तो डरता है, ठीक है वो कर रहा है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो कम हो गया है। यहाँ पे वो रेशियो बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि दे नो कि यार इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है हमारे पास। तो मुझको पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने डेफिनेटली अपना एक स्ट्रीम चूज किया और आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं, बट इस पॉलिसी को चेंज होने की बहुत ज़्यादा मुझे नीड फील होती है, और बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए और प्लस उसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्टली काम होना चाहिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ होना चाहिए कि भाई 10, अभी मेरे ख्याल से 10 रुपये 50 रुपये ऐसा जुर्माना है, तो उसका 50,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा तो कई लोग डेटर हो जाएंगे, वो डेटरेंट का काम करेगा, डर का काम करेगा, है ना। बिकॉज अभी भी आप FIR कराने जाओ, FIR दर्ज ही नहीं होती है। क्रुएलिटी केसेस में FIR दर्ज नहीं होती, क्योंकि और FIR दर्ज हो भी जाएगी तो उसको प्रूफ करने के लिए भी आपको गवाह चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, फुटेज चाहिए, है ना। तो आप सोचो कि इससे कोई रेवोल्यूशनरी बदलाव आ जाएगा? नहीं। इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग जगें और जो लॉ उनको अवेलेबल है उसके तहत तो वो कराएं, हरासमेंट तो कॉज करें, FIR कराएं, है ना, उसकी ज़रूरत है। बिना उसके वो जो 50,000 रुपये वाला लॉ है वो जितना उससे कुछ लोग डरेंगे वो डरेंगे, बस दैट्स इट।
तो लोगों का जगना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लोगों को जगाने में, अवेयर करने में, संवेदनशील करने में ज़्यादा कारगर हूँ बजाय कि सरकारी गलियारों के चक्कर काटने में, क्योंकि मुझे पता है वहाँ मैं लड़ बैठूंगा किसी से। तो अवेयरनेस को लेकर आपने अभी बताया था कि आप बच्चों के लिए स्पेशली कुछ प्रोग्राम्स, एजुकेशन के, एजुकेशन प्रोग्राम्स, तो ये ऑनलाइन है या फिर आप आसपास के जो गांव है या स्कूल्स है वहाँ पे भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, हमारा फोकस बनाने पे तो okay. हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही पेरेंट्स तक पहुंच रहे हैं, टीचर्स तक पहुंच रहे हैं, और कि वो अपने बच्चों को दिखाएं। कई टीचर्स हैं वो क्लासरूम में दिखाते हैं। अभी हमारे यहाँ एक वॉलंटियर थे कार्तिक, वो अभी नॉर्थ ईस्ट में गए हैं तो वहाँ पे दिखा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ी ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर आ रहा है क्योंकि हमारे कार्टून हिंदी में है, पर इस तरह हमारा फोकस है बनाने पर। ओके, हम यही कहते हैं कि भाई देखिए, हम कहानियाँ सुना सकते हैं, उन्हें आगे पहुँचाना आप लोगों का काम है। वॉलंटियर्स जो लोग आपके पास आते हैं और जो आना चाहते हैं, जो लोग अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू भी, हो सकता है मैं प्रे करूंगा कि आपके पास वॉलंटियर्स और आएँ, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि आपके पास वॉलंटियर्स आने का प्रोसेस क्या है। हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, अगर उन्हें रूल्स समझ में आते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो वेबसाइट से पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह का काम है। काम काफ़ी बोरिंग है, काम काफ़ी फिजिकल है, और फिर भी वो बिना किसी अपेक्षा के आना चाहते हैं, सिर्फ ये करने कि भाई मैं दो हफ्ते आपका जो आप कर रहे हो उसमें मैं हाथ बटाना चाहता हूँ और मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। तो वहाँ से वो एक फॉर्म भरते हैं और उन्हें कोई दिक्कत होती है हमारे ऑफिस, वो फ़ोन कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हमारा ऑफिस जो है उनका स्केड्यूल कर देता है उनको। ओके, ये बहुत सिंपल से बहुत सिंपल है। हाँ, सेलेक्टिव हैं हम वॉलेंटियर्स के मामले में, वो भी इसलिए कि भाई किसी को इंटीग्रेट करना अपने वर्क फ्लो में थोड़ा मुश्किल रहता है, वो भी पर्सनालिटी ऊपर नीचे होती रहती है, कोई हाई एनर्जी है, कोई लो एनर्जी है, कोई फिजिकली फिट और नहीं, सबको एक पेस पे लेके चलना है, लेके चलना, काम इंटरप्ट ना हो, है ना, तो हम थोड़ा पिकी हैं। इसमें अब जैसे आपने अभी बोला कि कई लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, रेस्क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको कॉल्स भी करते होंगे, सजेशंस भी मांगते होंगे, कमेंट्स भी आते होंगे, मैसेजेस भी आते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका फार्म देख के और आपको देख के सोचते होंगे यार मेरे को भी ऐसा एक कुछ करना है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए किस तरीके का, मतलब वो अपना प्रोसेस में किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करें, क्योंकि यू हैव द एक्सपीरियंस टू डू दिस, तो आप अब नई जनरेशन को किस तरीके से ये सारी चीज़ों के लिए सजेस्ट करते हैं? देखिए, थोड़ा ब्रॉड है सवाल, मैं दो तीन एस्पेक्ट्स कवर करता हूँ। एक तो आपको सबसे पहले जो जिस सवाल का जवाब देना है वो ये कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो, है ना। जैसे आपने देखा फार्म है, मेरे को भी फार्म चाहिए, भाई क्यों? पहले आपका वो जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वन। दूसरा फिर आपको ये देखना है कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपके जो सर्कमस्टेंसेज हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप जो करना चाहते हो और ये जो आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें, वो इसको किस तरह की आप शक्ल दे सकते हो। फिर आपने कहा कि हाँ, मेरे को तो जो मेरा उद्देश्य है वो सफ़रिंग कम करना ही है, मेरी मम्मी है बीमार रहती हैं, मैं कानपुर रहता हूँ तो मुझे कानपुर से बाहर मैं जा नहीं सकता, और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं साल दो साल बिना नौकरी किए मैं भाई रह सकता हूँ, और एबिलिटी वाइज ये है कि भाई मैं थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा मैं लोगों को मैनेज कर लेता हूँ। तो फिर आपने डिसाइड किया कि हमें भी पीपल फार्म की तरह एनिमल रेस्क्यू करना है। तो मैंने जहाँ से शुरू किया था एनिमल रेस्क्यू, मेरे पास कोई स्किल तो था नहीं, अभी भी लिमिटेड स्किल ही है मेरे पास। तो भई ये है कि आपने को घायल जानवर दिखा, आपने रुई ली, बीटाडीन ली, उसके घाव साफ कर दिया, स्प्रे मार दिया, कीड़े नहीं पड़े, हीलिंग तो अपने आप ही होती है, हमारा काम है घाव को साफ रखना। तो इसको हम कहते थे ट्रीट ऑन स्ट्रीट। अब हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट करने लगे, फिर हमने देखा भाई कई पशु हैं पैर ही टूटा हुआ है, अब उसको आप ट्रीट ऑन स्ट्रीट कैसे करोगे, उसको तो रिकवर होने की जगह चाहिए, उसको डॉक्टर कहता है कि भाई इसको तुम पिंजरे में रखो ताकि मूवमेंट ना हो, ज़्यादा मूवमेंट ना हो। तो हमने फिर शुरू किया रिकवरी स्पेस, कि यहाँ पे रिकवरी स्पेस बना दी। रिकवरी स्पेस क्या था, जाला लगा दिया एक, फिर देखा भाई कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो कैनल बनाने पड़े, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रहा था। फिर हमने कहा हम हर बार डॉक्टर पे लेके जाते हैं, रोज ही किसी पशु को डॉक्टर पे लेके जा रहे होते हैं, तो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। अब धीरे धीरे करने से क्या होता है, क्योंकि आपके साथ लोग जुड़ते रहते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाता है कि अब आप डॉक्टर की तनख्वाह दे सकते हो, है ना। तो इस तरह होता गया और
हमने ये सब यहीं पे ही किया था, घर ही है ना पीपल फार्म हमारा, यहीं पे ही था शुरू से। ये जो घर बना था इसमें इंटेंशन ये थी कि घर ऐसा हो जिसमें खाना उगा सकें, जिसमें हम पशुओं की मदद कर सकें, और जिसमें वो लोग आके रह सके वॉलंटियर, यानी कि जो इसमें हमारा हाथ बटा सके, ऐसे शुरू हुआ था। तो फिर अब ये एनिमल रेस्क्यू वाला प्रोजेक्ट जब इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पे पूरा नहीं समा रहा था, तब हमने फिर अलग इसको एक हॉस्पिटल अलग ही बना दिया। और ये हॉस्पिटल अभी रिसेंटली में ही आपका डेवलप हुआ? हाँ, हमने शुरुआत करी थी बनानी इसकी 2021 में, और 2023 सितंबर में हमने इसमें अपना श्री गणेश कर दिया। एक इन सब चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ मिस हो रही है, पीपल्स फार्म के को फाउंडर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, आपकी वाइफ कि वो अभी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों पर डेवलप कर रही है, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम कर रही हैं। हाँ, तो हमारा ऑर्गेनिक पे फोकस नहीं है, हमारा है होममेड पे, कि भाई कोई भी चीज़ हम ऐसी खाएं जिसमें, जैसे हम घर में चीज़ें बनाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते ना, तो मेन हमने वही चीज़ें बेचते हैं हम, शिवानी की जो टीम बनाती है, जो हमें उपलब्ध नहीं थी। जैसे हमको था भाई पीनट बटर कोई ऐसे बाज़ार से साफ नहीं मिलता जिसमें चीनी तेल, मतलब चीनी ना हो, सॉल्ट ना हो, पाम ऑयल ना हो, ऐसा ना हो, साफ पीनट बटर विदाउट प्रिजर्वेटिव, तो वही वो हम बेचते भी हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें भी हम बेचते हैं, वो हैं कि भाई जो हम अपने फार्म पे उगा रहे हैं, जैसे ओरेगानो हो गया, मिंट हो गया, कड़ी पत्ता जंगली उगता है, वो चीज़ें सुखा के वो भी हम साथ में बेचते हैं। उसका मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और उसने जो रास्ता चुना एम्पावरमेंट का वो है एम्प्लॉयमेंट। वो कहती है भाई जब तक आप किसी पर निर्भर हो है ना, तो आप कैसे एम्पावर्ड महसूस करोगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है एम्पावरमेंट का, कि भाई आप अपना चार पैसा खुद कमा सकते हो, कोई अगर किसी अब्यूजिव सिचुएशन में तो उससे निकल सके। इसलिए तो अभी हम फार्म पे जो ऑर्गेनिक चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, होममेड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो क्या क्या है और कैसे अगर कोई लेना चाहे तो किस तरीके से जा सकता है? हाँ, हमारे जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, हमारा पीनट बटर है जो इंसानों के लिए है, डॉग्स के लिए, और हमारी कम्बूचा है जो फर्मेंटेड टी है, और उसके अलावा हमारी एनर्जी बार्स हैं, मूसली है, वीगन स्नैक है, कुछ और नट बटर्स हैं जिसे अब कानूनन हम बटर नहीं कह सकते, स्प्रेड है, कैश्यू स्प्रेड, आलमंड स्प्रेड, और ये सारी चीज़ें हमारा, हम शुरुआत में तो हमने यहीं लोकल मार्केट में बेचना शुरू करी थी, जो टूरिस्ट एरिया अब हमारी वेबसाइट पर भी है, अमेज़ॉन पर भी है। ओके, सो रॉबिन सर, वैसे तो आपसे बात करना मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं एक थॉट प्रोसेस है, हो सकता है थोड़ा डीप हो, या हो सकता है अगर क्वेश्चन थोड़ा ऑफेंसिव हो तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, रॉबिन पीपल फार्म को रॉबिन के बाद कैसे देखते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि जगह चलेगी बहुत ज़्यादा मेरे बाद, है ना, पीपल फार्म एज इट इज़ तो मुझे नहीं उम्मीद कि चलेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारा एनिमल रेस्क्यू है वो अलग से चलता रहे। प्रोडक्ट्स अगर कोई चलाना चाहता है तो मतलब उसमें भाई उसमें तो पैसे आ रहे हैं, अभी क्या है वो पैसे डोनेट हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ चलती रहे। पर ये जो एक कोहिसिव चीज़ है, कोहिसिव मतलब सब कुछ एक ताना बाना सा बना हुआ है कि सब कुछ इकट्ठे है, वो मुझे लगता है वो करना मुश्किल होगा। मुझे कोई मिला नहीं जिसका वो विजन हो, जिसका वो पैशन हो, तो फिलहाल तो मैं यही लेके चल रहा हूँ कि भैया मुझे ही जितना हो सके इसको निचोड़ के इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी निकालनी है। तभी मैंने इस साल अपना फोकस भी चेंज किया, थोड़ा अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देना शुरू किया, कि एक भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा साल चाहिए और उन सालों में ज़्यादा ज़िंदगी चाहिए, इसीलिए जोगी भी हमारी टीम में आके जुड़े हैं। क्योंकि ठीक है, हमें बहुत सारे रॉबिन चाहिए इंडिया में, तो मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो ना तो ऐसे बहुत सारे रॉबिन्स को खड़ा करें आप, जिससे जो आपकी जो लिगेसी है उसको आगे लेके जाएं और इस तरीके की चीज़ें रहें। हाँ, देखिए जो लोग, मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट जो बात है ना, कि देखो मैं तो लकी था कि हमारी कहानी, मेरी पर्सनल कहानी, पीपल फार्म की कहानी कितने लोगों तक पहुंची, पर बड़े सारे लोग हैं उनकी कहानियां लोगों तक
पहुंच नहीं रही है। तो आई थिंक आप जैसे लोगों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप उन्हें खोजो, आप उनकी कहानी लोगों तक लाओ जो अपनी कहानी खुद बयां नहीं कर पा रहे, और आप पाओगे कि जितने आप सोचते हो उससे 100 गुना ज़्यादा लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आप कुछ सजेस्ट करो अगर कुछ और टॉपिक्स हो तो। मैं टॉपिक्स क्योंकि देखिए मुझसे लोग क्या पूछते हैं ज़्यादा, मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई अच्छा काम कैसे करते रहें, बर्न आउट कैसे ना हो, मेरा जो अच्छे काम के प्रति रवैया है वो कैसे बदला ये करते हुए। लोग फिर कम्युनिकेशन के बारे में मुझसे पूछते हैं भाई किस तरह हम अपना कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें, भाई किस तरह हम लोगों को अवेयर करें, जब हम लोग करते हैं लोगों को अवेयर करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मेरा क्योंकि देखो एक दो चीज़ों पर पकड़ है, एक अच्छा काम करना और एक थोड़ा ठीक से बोल पाना। वो टैलेंट है सर, वो हर किसी के पास होता नहीं है। मेरे को लगता है डेवलप तो किया ही जा सकता है। हाँ, क्योंकि देखो ना तो मैं अच्छा काम करता था पहले, ना मैं बोलता था, मेरे को तो बात ही नहीं करनी आती थी। तो मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें डेवलप की जा सकती है। तो लोग मुझसे इस बारे में पूछते हैं। अब कोई पूछे भाई आप खानदानी रईस कैसे हो, तो कोई इसका क्या जवाब देगा, भाई वो तो हम पैदा वैसे हुए थे, मैं नहीं हुआ था। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, है ना। पर जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में बदली है उस बारे में तो लोग पूछते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो ना कोई। अच्छा अभी जो रेस्क्यूज़ हमारे पास हो रहे हैं जी, उन रेस्क्यूज़ में मेजॉरिटी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? हमारे दो ही जानवर ज़्यादा आते हैं, कुत्ते और गाय, बाकी तो लोग खा जाते हैं ना। बकरा मुर्गा सुअर नहीं मिलता आपको रेस्क्यू करने को। वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं क्या कुछ रेस्क्यूज़ के लिए आपके पास? हाँ अनफॉर्चुनेटली आते हैं, वही है, उनके लिए हम कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। एक चमगादड़ आया था तो हमने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की परमिशन लेके उसको रखा। उन्होंने कहा कि भाई देखो उसको आपकी आदत नहीं होनी चाहिए, तो उसके साथ उतना ही समय जाओ जितना आपको उसको खिलाने जाना है, दवाई देनी है। तो ऐसे रखते थे, फिर उसके बाद हमने उसको एक महीने बाद ऐसे यहीं पेड़ पे रिलीज़ कर दिया था। अभी एक और, अभी हाल ही में एक और वाइल्ड एनिमल आया था, वो एक मैं नाम बोल रहा हूँ सिवेट ओके था, और उसका जबड़ा टूटा हुआ था। तो फिर हम तो पेन किलर ही लगाते रहे उसको जब तक वो चला नहीं गया। अभी जो क्लाइमेट है और पिछले 10 सालों के अंदर, जहाँ आप अभी यहाँ फार्म है हमारा हिमाचल में दोनों टू में, आपने भी बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस यहाँ पे देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर कितना कन्वर्जेशन और कितने काम करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो ये प्राइमरी मुद्दा होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली है नहीं ऐसा, और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल भी नहीं हूँ। अब ऐसा नहीं कि लोगों को बदलाव नहीं दिख रहे, हर कोई कहता है कि भाई अब सर्दियों में बर्फ़ ही नहीं पड़ती, वेदर पैटर्न्स एकदम शिफ्ट हो रहे हैं, फसलों में भी दिक्कत आ रही है, ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है, यहाँ पे लोग अब इतने 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 बोर करा रहे हैं, पहले नहीं करते थे। यहाँ पे स्ट्रीम्स होती हैं जिसे खड्ड कहते हैं, वहाँ पे भी वाटर लेवल नीचे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने बारे लोग अपने आप को अशक्त महसूस करते हैं कि भाई हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, ये तो सरकार का काम है। एक तो ये रवैया रहता है, दूसरा वो होता है ना कि आप ट्रैफिक में हो, आप आसपास लोगों को कोसते हो इतना ट्रैफिक है ये, आप ये भूल जाते हो मैं उस ट्रैफिक का हिस्सा हूँ। तो कहीं पे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं देख रहे कि जो उनकी कंजम्पशन है, अननेसेसरी जो कंजम्पशन है, वो इस क्लाइमेट क्राइसिस में योगदान दे रही है। आपको मीट खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंडा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, पर आप वो चीज़ें कर रहे हो। आपका 2 शर्ट में काम चलता है, आपने 20 खरीद लिए हैं, आपके पास खाली समय होता है, आपको समझ नहीं आता क्या करूं, आपको होता है कि भाई मैं चलो शॉपिंग चला जाता हूं, शराब पी लेता हूं। तो अननेसेसरी कंजम्पशन की वजह से ही ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो बढ़ी है ना, और ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। पर होपफुल मैं इसलिए नहीं हूँ कि देखिए सरकार इन चीज़ों पे काम करेगी तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें वोट मिलेगा, उन्हें चाहिए वो तो डेवलपमेंट दिखाएगी ना। कि अब देखो हमारे देश में गरीबी इतनी है तो लोग कहाँ एनवायरनमेंट का सोचेंगे, उन्हें तो अब भाई जॉब चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, सड़क चाहिए, हाईवे चाहिए, वो चाहिए, तो फिर तो जंगल कटेंगे ही। लेकिन डेफिनेटली कंजम्पशन जो आपने बोला वो, क्योंकि एक इससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है, जब मैं फर्स्ट टाइम देहरादून जा रहा था
तो सारंगपुर से बाई रोड जा रहा था और जिस तरीके से वहाँ से लॉग्स आ रहे इतना ट्रक में भर के, तो मुझे लग रहा था मैंने यार ये ऐसे पूरा का पूरा जंगल ही कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या, लोग हिल स्टेशंस क्यों जाते हैं भाई? यूजली लोग हिल स्टेशंस गर्मियों में जाते हैं कि भाई जो प्लेन्स के अंदर जो उन लोगों को हीट वेव्स और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं वो चीज़ ना मिले। लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को ह्यूमिड एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिल रही है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी नहीं यहाँ के लिए। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं और शायद ऐसे ही जैसे रेस्क्यू का इनिशिएट हुआ है, इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम लोगों को ऐसे ही कुछ इनिशिएट हो और कम्युनिकेशन हो रहा है, वही इंपॉर्टेंट है और वो पहला और इनिशियल स्टेप है। हाँ देखिए, मैंने एनिमल रेस्क्यू इसलिए चुना क्लाइमेट पे भी, जैसे मैं क्लाइमेट को भी प्राइमरी मुद्दा अपना बना सकता था, मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ अपने आप को बदल लूँ भाई, और वो मैं एक दिन के लिए बदल लूँ, भाई मैंने आज मांस नहीं खाया तो मुझे पता है कि एक जानवर सफरिंग से बच गया है ना, फिर मुझे देख के कोई बदल जाता है तो वहाँ भी एक जानवर बच गया। क्लाइमेट चेंज में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, आपको एक थ्रेशोल्ड पार करना पड़ेगा जब आपको बदलाव दिखे। कोविड हुआ, सारी दुनिया ठप हो गई, तब हवा साफ हुई, है ना, मेरे एक के करने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये चक्कर है ना। और यही सोच के शायद बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते। तो मैं अपने आप को इस तरह लेके चलता हूँ, भाई जो मेरा अपना घर है वो मैंने मिट्टी का बनाया है, मैं मिनिमल ड्राइव करता हूँ, ठीक है, पुराने कपड़े लेता हूँ, नए कपड़ा नहीं खरीदता, प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करता, मैं चिप्स वेप्स भी नहीं खरीदता। तो मैं अपने आप को सही रख के चलता हूँ, पर कहीं पे जैसे मैंने कहा कि मेरे में वो उम्मीद नहीं है कि लोग इसमें बदल जाएंगे, क्योंकि लोग सुविधावादी हैं, लोगों को लड्डू दोनों हाथ चाहिए, है ना, उन्हें फैसिलिटीज भी चाहिए और वैसे रोना भी है कि देखो जंगल कट रहे हैं। क्या कहूँ। कुछ तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। चलिए, थैंक यू रॉबिन, आपने इतना टाइम दिया हमें एंड आप जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है, एंड वी से थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। होप आपने ये पॉडकास्ट इंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।